हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आलू बैंगन की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरी वीडियो, आप लोगों को कैसे लगेगी मेरी सब्जी, बना के देखिएगा दोस्तों। यम्मी यम्मी, टेस्टी टेस्टी। आपको बताऊँ, आप घी लगा के, बटर लगा के, रोटी पराठे चावल के साथ एंजॉय करिए, बहुत टेस्टी है दोस्तों। दोस्तों इधर मैंने ले लिए हैं 4 बैंगन और 4 आलू, इनको धुल लिया है। इनको काट के पानी में डालेंगे ताकि ये काले ना पड़े। अभी साबुत धुल धुल लिया है, दोबारा इसको मैं फिर धुलूंगी, पानी में डालूंगी। जब काटूंगी तो पानी में इसको जरूर डालूंगी, क्योंकि नहीं तो फिर ये बैंगन और आलू काले से पड़ जाते हैं, अच्छे नहीं लगते देखने में। इधर मैंने ले लिया है प्याज, 2 टमाटर, 4 से 5 मिर्च है, 1 लहसुन ले लिया है थोड़ा छोटा सा, वो पूरा मैंने छील लिया है। इधर ले लिए लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में आलू बैंगन की सब्जी या कोई भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। इधर हम डाल लेंगे 2 चम्मच तेल। सरसों के तेल में बनाइएगा दोस्तों, उसमें ज्यादा अच्छी बनती है और टेस्टी बनती है। इधर ले लिए कढ़ाई दी थी हमने, इसमें तेल लगा दिया था। तेल हमारा गर्म हो गया, हल्का गुनगुना हो गया है। इधर सारी प्याज और हरी मिर्च और लहसुन हमने टमाटर चॉप कर लिया, टमाटर पील करके हमने चॉप किया है। ये आलू बैंगन भी हमने पानी में निकाल के धुल लिए हैं, इसको झटपट से छोंक देते हैं नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, डालेंगे लहसुन, डालेंगे मिर्चा, प्याज भी डाल देंगे, उसको भूनने देंगे। टमाटर डाल देंगे। हाँ दोस्तों, हींग मैं भूल गई थी, तो ये हींग डालेंगे। डालेंगे हल्दी, डालेंगे मिर्चा, डालेंगे नमक, डालेंगे धनिया पाउडर, डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला जरा सा, इसको सौते कर लेंगे तो भूनने तक। थोड़ा सा उसमें 2 चम्मच पानी लगाएंगे ताकि ये मसाले हमारे जले ना। वैसे तो टमाटर डाला है तो वो पानी छोड़ेगा अपना। डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, उसको हाथ से मसल लेंगे तब डालेंगे। तो देखो उन्होंने मसल ली हाथ से, अब इसको डाल देंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें हम आलू बैंगन डाल देंगे। हम ये आलू बैंगन डाल देंगे। देखिए मसाला कितना अच्छा कलर आया मसाले का, मैंने कुछ नहीं डाला, आप लोगों के सामने जो जो डाला है बस इसी तरह से छोंक दीजिएगा। सब्जी का टेस्ट और कलर दोनों बहुत अच्छा आता है, लाजवाब सब्जी बनती है दोस्तों। तो इसको मिला के ऐसे ढक देना है, इसमें पानी नहीं लगाएंगे, बैगन हमारा इसी में पक जाएगा मसाले में। सब्जी हमने ढक दी है, लो फ्लेम पे बनने देना है इसको 10 मिनट तक, उसके बाद इसको खोल के देखेंगे। आइए देखते हैं सब्जी कैसी बन गई। देखिए दोस्तों 10 मिनट में, 10 और 5 15 मिनट में ये सब्जी बन के तैयार हो गई। ये देखिए इसको कर लेंगे धनिया से गार्निश। लोहे की कढ़ाई में दोस्तों सब्जी देखिए कितनी टेस्टी बनती है, खूब सारा धनिया डाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये दोस्तों इसको सर्व करते हैं, टेस्टी टेस्टी हमारी आलू बैंगन की सब्जी। ये लोहे की कढ़ाई में बनी है इसलिए इसका कलर ऐसा आया है काला काला, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है दोस्तों। रोटी पराठे चावल के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है बताइएगा। थोड़ा सा और धनिया डालते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट करिए आप। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।